जय श्री कृष्ण दोस्तों। दोस्तों कई बार हमें ऐसा लगता है समय हमारा साथ ही नहीं दे रहा, सब कुछ हमारे साथ गलत ही हो रहा है। इसमें दोष समय का तो नहीं है, पर फिर भी हम खुद को कमजोर ही महसूस करते हैं। ऐसी कठिन परिस्थिति में कैसे खुद को संभाला एक बालक ने, आज यही जानेंगे एक कहानी की मदद से। और कहानी खत्म होने के बाद मैं आपसे एक प्रश्न भी पूछूंगा जिसका उत्तर आपने मन ही मन सोचना है। आई एम श्योर आप में से ज्यादातर लोग इस प्रश्न का सही जवाब दे पाओगे, क्योंकि हम लोगों ने पहले भी ये श्लोक डिस्कस किया है थोड़े अलग तरीके से। जो आज मैं आपको कहानी सुनाऊंगा, ये कहानी सुनाई है स्वामी विवेकानंद जी के गुरु श्री रामकृष्ण परमहंस जी ने। इसमें आप देखेंगे कैसे भगवान श्री कृष्ण ने एक नन्हे से बच्चे की मदद की, वो भी तब जब उसके पास मदद को कोई भी नहीं था। और इसके बाद हम लोग गीता ज्ञान भी लेंगे। असल में इस एक कहानी से हम श्रीमद् भगवद गीता के दो श्लोक सीख सकते हैं। हाँ, मैं कहानी के बाद बात को थोड़ा सा एक्सटेंड जरूर करूंगा, थोड़ा सा आगे जरूर बढ़ाऊंगा, तो आप एक श्लोक को तो आसानी से समझ जाओगे और दूसरा श्लोक काफी लोगों के लिए नया हो सकता है, खास करके उन लोगों के लिए जिन्होंने श्रीमद् भगवद गीता को नहीं पढ़ा। तो देखते हैं आप में से कितने लोग कहानी के बाद प्रश्न का सही उत्तर सोच पाते हैं। तो सीधा आते हैं कहानी पर। तो ये कहानी है एक बच्चे की जो स्कूल में पढ़ता था। इस बालक के पिता की मृत्यु हो चुकी थी। इसकी माँ लोगों के घर सेविका का काम करके अपना और अपने बेटे का पेट पाला करती। इनके घर और कोई भी कमाने वाला नहीं था। इनके पास खाने को भी पर्याप्त नहीं होता था। जब भी माँ अपने घर से बाहर काम के लिए निकलती, श्री कृष्ण के आगे सिर झुकाकर प्रार्थना करती कि श्री कृष्ण उनके लड़के का ध्यान रखें। अब लड़का बड़ा हो गया तो उसको स्कूल में डाल दिया गया। पहले दिन तो माँ लड़के को स्कूल छोड़ने चली गई, परंतु हर रोज ऐसा करना संभव नहीं था। स्कूल का रास्ता घने जंगलों से होकर गुजरता था और इस बच्चे को अपने स्कूल तक पहुंचने के लिए इन घने जंगलों से जाकर गुजरना ही पड़ता था, जो कि इस छोटे से बच्चे के लिए अत्यंत कठिन था। इतने गहरे जंगलों में छोटा बच्चा डर जाता था। कई बार छोटे मोटे जानवरों की आवाज भी जंगल में सुनाई देती थी। माँ शिक्षा का महत्व अच्छे से समझती थी, इसलिए उनको शिक्षा तो देनी ही थी। बालक एक दिन स्कूल से जब घर आया तो माँ से बोला, माँ तुम भी मेरे साथ स्कूल आओ, मैं स्कूल जाना चाहता हूँ, मुझे स्कूल पसंद है, मुझे मास्टर जी भी पसंद हैं, पर मुझे स्कूल अकेले जाते डर लगता है। माँ इस बात को अच्छे से समझती थी, अगर वो बच्चे के साथ स्कूल गई तो उसका तो काम ही छूट जाएगा और उनकी तो रोजी रोटी भी बंद हो जाएगी। उधर ये बालक जब अकेला स्कूल जाता तो बहुत घबराया हुआ होता और घने जंगलों में तेजी से भागता हुआ स्कूल तक पहुंचता तो इसकी सांस फूली होती, मानो कोई इसका पीछा कर रहा है। शायद इस बालक का ये डर ही था जो सारे रास्ते इसका पीछा कर रहा होता था। वहीं स्कूल से वापस घर आते इस बालक को और भी अधिक डर लगता, क्योंकि ये सूर्यास्त का समय होता था। हर रोज माँ से एक ही शिकायत, माँ तुम भी मेरे साथ स्कूल आओ ना, मुझे स्कूल जाते समय और लौटते समय बहुत डर लगता है। और माँ की भी हर बार एक ही मजबूरी। बालक ने माँ से कहा, माँ मुझे लगता है मैं जब स्कूल जाता हूँ तो मेरा कोई पीछा करता है, मैं इसीलिए तेजी से भाग कर स्कूल जाता हूँ और सारे रास्ते मेरी जान निकली रहती है। अपना दुखड़ा जब इस बालक ने माँ के सामने रोया, माँ ने इस बच्चे से कहा, तुम तो व्यर्थ की चिंता करते हो, इसमें घबराने वाली कोई बात है ही नहीं, कुछ दिनों बाद तुम्हें ये सब ठीक लगने लगेगा। बच्चे ने कहा, माँ कुछ दिनों तक मैं ये सब नहीं झेल पाऊंगा, तुम नहीं आ सकती, तुम मेरे साथ किसी और को भेज दो। माँ अब बालक से कहती भी तो क्या कहती। माँ ने थोड़ा सोचा और कहा, शायद तुम नहीं जानते जंगल में तुम्हारा बड़ा भाई है, वही तो तुम्हारा पीछा किया करता है ताकि तुम सुरक्षित स्कूल पहुँचो और फिर स्कूल से घर पहुँच सको। बालक ने हैरान होकर पूछा, क्या कह रही हो माँ, मेरा बड़ा भाई? माँ ने कहा, हाँ उसका नाम कृष्णा है। बालक सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ। बालक ने पूछा, माँ मेरा बड़ा भाई हमारे साथ क्यों नहीं रहता? तो माँ ने बताया, वो जंगलों में गाय के साथ रहता है और गाय की रक्षा करता है, वो तुम्हारी रक्षा भी करेगा। मन ही मन माँ ने कृष्णा से अपने बच्चे की रक्षा की प्रार्थना की। माँ ने पूरी तरह से कृष्णा पर समर्पण कर दिया और बच्चे को अब पूर्ण विश्वास था
कि कृष्णा उसका बड़ा भाई है जो उसको सुरक्षित रखेगा। बालक का डर अब पूरी तरह से समाप्त हो चुका था। बालक अब स्कूल जाने के लिए उत्साहित था। माँ ने हाथ जोड़कर श्री कृष्ण की तस्वीर के आगे प्रार्थना की। उसका बेटा अब श्री कृष्ण के हाथ है। स्कूल जाते समय जैसे ही इस बालक ने जंगल में कदम रखा, इसको कोई ना दिखा। दूर दूर तक घने पेड़ और इन पेड़ों की डरावनी परछाइयां। बालक ने जोर जोर से कहा, कृष्णा कृष्णा मेरे भाई, कहाँ हो तुम? थोड़ी देर में बांसुरी की मधुर आवाज बालक के कानों में पड़ी और थोड़ी देर में बालक के सामने एक चमकते तेज के साथ कोई खड़ा था। बालक ने पूछा, क्या तुम गाय को यहीं छोड़कर मेरे साथ मुझे स्कूल छोड़ने चलोगे? तो बड़ा भाई मना कैसे कर सकता था? अब हर बार इस बालक का बड़ा भाई कृष्णा इसको छोड़ने स्कूल जाता। अब बालक हर रोज घर आकर माँ को बताता कैसे उसके बड़े भाई ने उसकी मदद की स्कूल पहुँचने में और स्कूल से वापस घर आने में। माँ सिर्फ अपने बेटे के सिर पर हाथ रख देती और मुस्कुरा देती। एक दिन बालक ने अपनी माँ से कहा, उनके स्कूल में दावत है तो वो स्कूल क्या लेकर जाए? माँ ने कहा, उनके पास कुछ भी नहीं है देने को। तो बालक ने अपना दुखड़ा रोते हुए अपने बड़े भाई से कहा। तो बड़े भाई ने जवाब दिया, घबराओ मत, मैं ये तुम्हें दही का मटका देता हूँ, ये दही सब में बांट देना। बालक ने कहा, बड़े भैया हम कक्षा में 30 छात्र हैं और ये दही का मटका तो बहुत छोटा है, 30 छात्रों के लिए ये पर्याप्त ना होगा। बड़े भाई ने कहा, घबराओ मत, बस ये दही सब में बांट देना। जब ये मटका स्कूल के मास्टर जी ने देखा तो पहले तो वो हंसने लगे, परंतु वो जानते थे बालक गरीब परिवार से है। मास्टर जी ने कहा, जितनों को दही मिल सकता है दे दो। बालक ने ऐसा ही किया। जब वो सब छात्रों में दही बांटने लगा, दही से भरा मटका खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। सभी छात्रों को दही मिल गया पर मटका अभी भी भरा ही था। ये देखकर मास्टर जी हैरान रह गए। उन्होंने बालक से पूछा, कहाँ से लिया है ये मटका तुमने? तो बालक ने जंगल में रह रहे अपने बड़े भाई के बारे में सब बता डाला। अब मास्टर जी बालक को जंगल में ले गए। बालक ने कई आवाजें लगाई, कृष्णा कृष्णा, परंतु कोई नहीं आया। थोड़ी देर बाद बालक के कान में एक आवाज आई, मैं कृष्णा तुम्हारा बड़ा भाई सदैव तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारी माँ को मुझ पर पूर्ण विश्वास है, इसीलिए केवल तुम ही मुझे मन की आंखों से देख सकते हो। दोस्तों, क्या आप बता सकते हैं श्री कृष्ण ने अपने नन्हे भक्त की सहायता क्यों की? यही है प्रश्न आपके लिए। श्री कृष्ण ने अपने इस नन्हे भक्त की सहायता क्यों की? आपके पास है 7 सेकंड, आप उत्तर मन ही मन सोचिए। आपका समय शुरू होता है। दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर मिलता है श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय के 22वें श्लोक में, जिसमें श्री कृष्ण बताते हैं, जो मेरे पर अपना मन लगाते हैं, मेरा ध्यान करते हैं, मैं उनको वो प्रदान करता हूँ जो उनके पास नहीं है, और जो उनके पास है मैं उसकी रक्षा भी करता हूँ। बच्चा मासूम था, भगवान ने उसकी मदद की, उसकी रक्षा की, ताकि वो अपना कर्म ठीक से कर सके। और अब हम आते हैं उस श्लोक पर जिसकी चर्चा अभी तक हमने नहीं की। श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय के 29वें श्लोक में श्री कृष्ण बताते हैं, अर्जुन मेरे लिए सभी प्राणी समान हैं, ना कोई मुझे प्रिय है ना कोई अप्रिय। वास्तव में जो जन मुझे भक्ति पूर्वक भजते हैं मैं उनमें हूँ और वो मुझमें हैं। यहाँ श्री कृष्ण बता रहे हैं वो किसी से पक्षपात नहीं करते। भक्त की स्वच्छ चित्त की अवस्था ही उसे प्रभु के नजदीक लेकर जाती है, जैसे इस बालक के साथ हुआ। दोस्तों, हम सभी भी अपने कठिन समय में सब कुछ भगवान को सौंप कर अपना बेस्ट कर सकते हैं, अपना कर्म अच्छे से कर सकते हैं। हरे कृष्णा।